2 महीने हो गए इस लॉकडाउन को, बड़े होते हैं ना वो, फिर भी मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, हम डाइवर्ट कर लेते हैं, किसी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है ये सोशल आइसोलेशन, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे आजकल क्या असर डाल रहा है अभी हमें नहीं समझ में आ रहा। ये माओ को, बड़ों को उस वक्त समझ में आएगा जब ये फेज गुजर जाएगा, ये बच्चों को कैसे ये हिट किया है। तो बच्चों को इन गैजेट से, इन मूवीज से, इस कब तक वो भी देखेंगे, तंग आ गए हैं बच्चे, चिड़चिड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, क्रैंकी हो रहे हैं, खमखई हो रहे हैं, खमखई डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आई एम श्योर हर माँ ये मेहनत भी कर रही है और सोच भी रही है कि बच्चों के साथ क्या किया जा सकता है। मैंने अपनी बेटी को एक्रेलिक पेंट्स और कैनवस दिया और उसके बाद मुझे नहीं पता था उसका हिडन टैलेंट। ये देखिए मैंने ये दिया और लेकिन इन सारी पेंटिंग्स में मुझे एक चीज नजर आई कि आजकल वो कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच रही। आप देखें बहुत खूबसूरत, ये देखें लेकिन ये सारे, फिर मुझे बहुत सारी बातें बच्चे माओ से शायद नहीं कर पाते, हम उस तरह से, उस तरीके से शायद वो हम पर ओपन नहीं होते। वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, अपनी एक्टिविटीज को मिस कर रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह वो एनर्जी, वो चीजें तो निकलनी है, बड़ों से भी निकलनी है। तो एक ये रिक्वेस्ट है कि एक तो बच्चों के साथ देखें कि उनकी, मुझे फ्रेंकली नहीं पता था वो कभी इतना अच्छा पेंट कर सकती है, मुझे ये नहीं पता था कि उसमें ये टैलेंट भी है। मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा कैनवस लेते हैं, एक्रेलिक पेंट्स लेते हैं, और मेरे हस्बैंड को लेके चले गए पेंटिंग शॉप पे, वहां से उसको चीजें दिला दी, ला दी उसने जो, फिर हमने रियलाइज किया कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको हम और अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है आप भी मेरी तरह की वो माँ हो जिसको ये पता ही ना हो भी कि बच्चों के अंदर टैलेंट क्या है। सो प्लीज, बच्चे जरूरी नहीं है पेंटिंग्स, हो सकता है आपके बच्चे में अच्छा लिखने का टैलेंट हो, बोलने का टैलेंट हो, गाने का टैलेंट हो। तो प्लीज अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें और इनकरेज करें, थोड़ा सा भी कहीं आपको अच्छा या डिफरेंट नजर आता है तो उसको बोले कि हाँ ये बहुत अच्छी, एटलीस्ट उसके पास कोई चीज आ जाएगी जिससे उसकी एनर्जी बाहर निकल सकेगी, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा। सो गुड लक ऑल मदर्स।